वस्त्रं समर्पयामहे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। माई नेम इज़ रोहित और आप देख रहे हैं ब्लॉगर रोहित भारद्वाज चैनल। और आप आज देख सकते हो क्या ही मस्त मौसम है, क्लियर। सो दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं दशरथ का दंडा ट्रेल या ट्रैक कह सकते हैं, जो कि ऋषिकेश से करीबन 40 किलोमीटर दूर है। ट्रैक की स्टार्टिंग होती है पावकी देवी टेम्पल से और रानाकोट बुग्याल पर इसकी फिनिशिंग पॉइंट है। और ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक पर लोकल्स ने बताया कि हिमालयंस रेंज दिखती है। इन्हें मजा आएगा दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। हिमालयन रेंज आप देख सकते हो इसमें, और जो वहाँ के व्यू हैं ट्रैक के, बहुत ही मस्त वाले हैं। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, पावकी देवी मंदिर हम फाइनली पहुंच चुके हैं। पहले हम यहां पे दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद ट्रैक स्टार्ट करते हैं। पावकी देवी मंदिर एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है यहां पे माता सती के पैर गिरे थे, जिसके कारण इस जगह की मान्यता बहुत ही ज़्यादा है। और यहां पे जनवरी में फेस्टिवल भी मनाया जाता है हरिहरी पूजा के नाम से। यह मंदिर टिहरी गढ़वाल के नाई गांव में स्थित है। सो दोस्तों, हमने पावकी देवी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं माता जी के, और आप देख सकते हो ये मेरे पीछे ही है, ये रहा पावकी देवी मंदिर है ये, और उसके जस्ट सामने से ये ट्रैक गया है, ये वाला पैदल है, 10-12 किलोमीटर का ट्रैक है। और इस ट्रैक की खासियत ये है कि व्यू यहाँ से बहुत मस्त आते हैं, हिमालयन रेंज दिखती है। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हम ट्रैक अब भी स्टार्ट कर रहे हैं, सो लेट्स गो। दोस्तों, मेरे साथ ट्रैक में मेरा साथ दे रहा है राहुल, हाय, जो कि हमेशा की तरह हर ब्लॉग में रहता है। इस बार भी हम लोग साथ में जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे, काफ़ी दूर भी है। राहुल, बिल्कुल। दोस्तों, आप देख सकते हो क्या ही सुंदर ट्रैक है, और ये चीड़ के पेड़ सामने, और इस पूरे ट्रैक पे कोई भी नहीं है हमारे सिवा। देखिए, राहुल आ रहा है अकेले और मैं पहले आ गया था आगे। बहुत ही सुंदर ट्रैक है ये दोस्तों, और आज का मौसम आप देख ही रहो। देखते हैं हम कहां तक जा पाएंगे और आपको दिखाते हैं जहाँ भी जाएंगे। फिलहाल आप यहाँ का व्यू देखो दोस्तों।
दोस्तों सांस फूल गए, मेरे पीछे का ट्रैक देख सकते हो, हमारे सिवा कोई भी नहीं था। दोस्तों अभी थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं, आप पीछे का देख सकते हो ट्रैक कितना सुंदर है, बट उतना ही ये खतरनाक भी है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे ट्रैक पे आते हो तो कभी भी अकेले मत आना, लेपर्ड्स का, जंगली जानवर का बहुत ही खतरा होता है यहाँ पे। तो जब भी आना या आप यहाँ पे ग्रुप्स में आना, या तो एटलीस्ट दो लोग तो हो ही। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, तब तक आप व्यू देखो यहाँ का कितना सुंदर है। तो आप देख सकते हो हमारे सामने, शायद ये हिरन है, जंगली जानवर। जूम कर दिया थोड़ा सा, पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, बट आप देख सकते हो वो हमें बैठ के एकदम देख रहा है, देखो हिल रहा है वो भी। बैठ गया और हम अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, थोड़ा सा ब्रेक लिया हमने। गाइज आप यहाँ का व्यू चेक करें, क्या ही मस्त है। चारों तरफ चीड़ के पेड़ ही हैं। चीड़ के पेड़ का ये फूल है और ये सूख के नीचे गिरा हुआ था, और देखना वो कितना मस्त लगता है, पास से दिखाते हैं, चलते हैं आगे। और रास्ता कितना डेंजरस है, हम दो लोग के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा है। कोई नहीं दोस्तों, देखते हैं हम कहां तक जा सकते हैं, वहां तक आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप देखो यहां का व्यू क्या है, ज़बरदस्त। और ट्रैक देख रहे हो कितना पतला है, ज़रा सी चूक और हम नीचे। चारों तरफ आपको चीड़ के पेड़ ही मिलेंगे यहां पे। और ये देखो दोस्तों, लगभग टॉप पे आए गए हैं हम, और ये रास्ता जा रहा है। दोस्तों काफी ज्यादा हम चल के आ चुके हैं, और आप ये देख सकते हो एक पीक सा मिला, अभी यहीं हम बैठते हैं, थोड़ा काफी ज्यादा थक गए हैं, खड़ी चढ़ाई है। कैसा लग रहा है राहुल? आप व्यू देखो दोस्तों यहाँ का, क्या ही मस्त है। दोस्तों यहाँ पे बारिश भी आने वाली है, तो हम जल्दी से अपना खाने पीने का प्रोग्राम करते हैं। मैं भी बना रहा हूँ मैगी, पहाड़ों वाली मैगी।
जल्दी जल्दी बनाना ना मैगी, एकदम मस्त बनेगा। जब धीरे धीरे बनाएगा तो बेकार बनता है, टेस्ट नहीं आता तब। दोस्तों अभी हम मैगी खाएंगे, फिर उसके बाद ट्रैक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। और अभी थोड़ा बादल भी लगे हुए हैं, जंगली जानवरों का भी खतरा है। बाकी हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, आप यहाँ का व्यू देखो पीछे का। तो दोस्तों इस ट्रैक को यहीं ख़त्म करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया, हमें घर वापस भी जाना है। और थोड़ा रिस्की तो है ही, बिकॉज दो ही लोग हैं हम, और बीच में हमें कुछ जानवर भी दिखे थे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नए एडवेंचर के साथ किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।